एवरीवन। और हम अभी वापस जा रहे हैं और ये देखिए सामान इतना सारा सामान, जैसे कोई चूचक लेके जा रहा हो। तो क्योंकि ये सर्दियों का सामान है, सर्दियों के कपड़े वगैरह लेके जा रहे हैं हम लोग। और फिर ये भी है कि उसके बाद फिर कौन आएगा, पता नहीं, चक्कर लगेगा नहीं लगेगा, ऐसा ही हो जाता है। और बस गुड़िया सो गई है, ये देखिए। और ये आगे बैठे हैं आशु, और ये चला रहे हैं गाड़ी। और आज हमारे यहाँ लगी है गोवर्धन की जो पूजा होती है, वो उसकी धूप लगी है। और उसकी धोख लगाने के बाद ही हम लोग वहाँ से चल दिए। खाना वगैरह बना लिया है आज, सब्जी वगैरह बना ली थी, तो वो लेके जा रहे हैं। बस रोटी रोटी कोई बाकी रह गई है, तो वो जाके बना लूँगी मैं। और फिर जाके ना होता नहीं है, काम यही हो जाता है। मतलब थोड़ा सा दिक्कत होती है आने जाने में। और मेरा तो ऐसा ही है कि गाड़ी में बैठते ही थोड़ा सा मन सा खराब हो जाता है। अब तो फिर भी ठीक हो जाता है, पहले तो मुझे उल्टी वगैरह भी लग जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब ठीक रहती हूँ मैं। और सभी अपनी गोवर्धन की पूजा की तैयारियों में लगे हैं। कुछ लोग गन्ने वगैरह लेके जा रहे हैं, यहाँ से देखा मैंने अभी। तो चलिए फिर वहाँ जाके बातें करते हैं। और मैं अभी बना रही हूँ साग, साग नहीं बना रही हूँ, साग को छोक रही हूँ, क्योंकि साग तो मम्मी ने बना दिया था। इन्होंने रिक्वेस्ट की थी, रिक्वेस्ट भी क्या, मम्मी को कहा ही था एक बार कि मम्मी साग बना दो। और मम्मी कहते हैं ना, माँ बाप का दिल तो ऐसे ही होता है कि जरा सा बच्चे कुछ बोले और उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो मम्मी ने उसी टाइम हमारे गांव में जो हमारी जो जगह है वहाँ पे साग जो है मम्मी ने बनाया हुआ है, रखा हुआ है, तो वो काट के लेके आए, फिर उसको बनाया और अपने बेटे की ख्वाहिश को पूरा किया। और माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता ये दुनिया में, कोई बीवी नहीं ले सकती, कोई बहन नहीं ले सकती, ये कोई भाई नहीं ले सकता, माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। तो माँ का दिल में होता ही ऐसा है कि एकदम से अपने बच्चे की हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश करती हैं। तो बस फिर मम्मी साग लेके आई और उसी टाइम हमें बना के दिया। तो वो हमें जल्दी आना था, तो इसलिए वो छोंक नहीं पाए थे बस। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अब छोंक देती हूँ और पानी हाथ की जो रोटी होती है ना वो बना दूँगी। पानी हाथ की रोटियाँ साग के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि फिर मैं अभी साग को छोंक दूँगी और उसके बाद फिर रोटियाँ उतारूँगी। तो मैं साग छोंकने के लिए मैंने तेल रख दिया था, और ये देखिए मेरा तेल हो गया है, तेल हो गया है। तो मैं इसमें अभी तो मैं डाल दी हूँ इसमें मेथी दाना, और ये डाल दूंगी मैं लहसुन। पहले मैं थोड़ा सा लहसुन को हल्का ब्राउन कर लूंगी ताकि ये कच्चा कच्चा ना लगे, और मुझे अच्छा नहीं लगता जब ये कच्चा कच्चा सा रहता है। तो मैं पहले लहसुन डाल के हल्का सा ब्राउन कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद अभी मैं डालूंगी प्याज। और साथ में डाल दूंगी हरी मिर्च, और इनको अच्छे से भून लूंगी। और मैं डाल दूंगी ये टमाटर, और मेरा भी यही काम है। जब मेरे बेटे की या मेरी बेटी की बात आती है तो कई बार मेरी इनसे लड़ाई भी हो जाती है उस मामले में,
क्योंकि जब ये कोई चीज़ मांगते हैं, अपना बच्चा कोई इच्छा करता है माँ बाप के सामने, तो यही होता है कि माँ को तो यही ज़्यादा होता है कि अपने बच्चे की इच्छा को पूरा करें। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि उन्हें सर चढ़ा लें, मतलब कि किसी भी जिद को, उसकी हर जिद को उनकी पूरा करें, ऐसा तो मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन कुछ छोटी छोटी जिदें जो होती हैं, छोटी छोटी बातें जो होती हैं, माँ बाप जो पूरी कर सकते हैं, हाँ बेटे, तो वो हमें करनी चाहिए। और जब बच्चे खुश होते हैं तो माँ बाप को बहुत खुशी मिलती है, और मुझे भी इसी तरह से खुशी होती है जब मेरे बच्चे खुश हो जाते हैं किसी चीज़ को पाके। और हर किसी के साथ ऐसा ही होता होगा जैसा मेरे साथ होता है। तो बातें करते करते मेरा साग का छोक जो है वो हो गया है, तो मैं इसमें साग डाल रही हूँ। मैं ये तो नहीं कहती कि उनकी गलत जिद को भी मानो, वो अगर गलत रास्ते पे जा रहे हैं और गलत जिद कर रहे हैं तो उसको जरूर माने। नहीं, हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि आंख मूंद के अपने बच्चों पे ऐसे भरोसा करें। लेकिन ये है कि भरोसा, विश्वास करें अपने बच्चों पे। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो शायद उनकी बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए हमें। पहले उनकी बात को सुनो, अच्छे से समझो वो कहना क्या चाह रही हैं। तो अगर वो बात सही लगे तो माँ बाप को उसे मान लेना चाहिए, मेरा ये मानना है। बाकी हर किसी की अपनी अपनी राय होती है, हर किसी की अपनी अपनी समझ होती है। देखिए, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, मैंने अपनी राय आप लोगों के सामने रखी है। तो चलिए, अभी मैं जो साग है वो हो चुका है और अब मैं बनाऊंगी ये रोटियां पानी हाथ की। तो कौन कौन पानी हाथ की रोटियां खाना पसंद करता है, या किसी को पता है या नहीं, या बहुत से लोग हैं जिनको पता भी नहीं है शायद पानी हाथ की रोटियां क्या होती हैं, कैसे बनती हैं। तो जैसे मेरी मम्मी बनाती थी वैसे तो मैं नहीं बना पाती, क्योंकि वो तो बहुत अच्छी, मतलब बहुत टेस्टी रोटियां बनाती थी। लेकिन वही है कि मुझे इतनी टेस्टी नहीं बनानी आती, लेकिन कोशिश करती हूँ मुझसे बन जाए। फिर भी कड़ी कड़ी सी रोटियाँ जो होती है ना, तो वो बहुत टेस्टी लगती हैं। तो अभी मैं बनाऊँगी, तो चलिए बना लेते हैं अभी रोटियाँ। तो फिर से आ गई हूँ किचन में। दोपहर जब उसके खाना खाने के बाद मैं सो गई थी, और मुझे पता ही नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ। मुझे सो के ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे उठना भी है। तो मैं 2 बजे सोई थी और मैं 4 बजे उठी, 2 घंटे सोई हूँ। और बस फिर उसके बाद चाय वगैरह का काम निपटाया, और फिर अब मैं किचन में आई थी दाल वगैरह बनाने के लिए। और क्योंकि आज हमारे दिन हमारे यहाँ दाल बनाते हैं, वैसे सब्जी वगैरह नहीं छोंक पाते, तो इसलिए मैं ये दाल को जल्दी में ही छोंकूंगी। ज़्यादा छोंक वगैरह काट भी नहीं सकते इसलिए। और बस जिनके यहाँ भाई दूज मनाते हैं तो उनको भाई दूज की बहुत ढेरों 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 शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ इतना नहीं होता इसका, भाई दूज का, जैसे हर कोई मनाता है तो हमारे यहाँ नहीं मनाते। तो इसलिए मुझे इतना ध्यान भी नहीं रहता कि भाई दूज है आज। और लेकिन जिनके यहाँ मनाते हैं उनको तो मैं बधाई दे सकती हूँ, तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं रख देती हूँ अब दाल बनने के लिए। और तो चलिए, और 6:15 बज चुके हैं। बस जल्दी से मैं अब दाल वगैरह बना लूँगी, और ज़्यादा तो कुछ नहीं है, सिर्फ रोटी सेकनी है सिंपल। और मैंने दाल में नमक और हल्दी डाल दी है, और मैं साथ में डाल दूँगी हींग भी। और बस इसको पकने के लिए रख दूंगी, मैं छोंक लगाऊंगी तब मैं इसमें मिर्च डालूंगी। और मैंने कुकर बंद करके गैस पे रख दी है दाल बस बनने के लिए। और हाँ बेटा, हाँ तो हाँ, और पूजा का टाइम हो गया है तो मैं पूजा कर रही हूँ, और आप लोग भी पूजा कर लीजिए। तो दाल मेरी बनने के लिए मैंने रख दी है। और मैं ना ये सोफ़े के कवर लेके आई थी, मम्मी ने ले लिए थे, तो ये मैं आपको कल दिखाऊंगी खोल के। तो चलिए, अब मैं करती हूँ वीडियो का एंड, और
फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।